फ्रेंड्स, अगर आपके पास मारुति सुजुकी इको कार है तो आपको मालूम कैसे रहेगा कि उसका अल्टरनेटर बेल्ट टूटा है। अगर आपके डिस्प्ले में बैटरी का लाइट आता है तो समझ लिए आपका अल्टरनेटर बेल्ट टूट गया है। अल्टरनेटर बेल्ट टूट जाने से वाटर पंप भी घूमता नहीं तो गाड़ी ओवरहीट होता है। आज मैं करने वाला हूँ इको का अल्टरनेटर बेल्ट चेंज। जो कार हमारे पास टो होके आई है वर्कशॉप पे, तो आपको बताता हूँ कि गाड़ी कैसे मालूम रहेगा कि अल्टरनेटर का बेल्ट टूटा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये टूटा हुआ बेल्ट है, सामने देखते हो आप अल्टरनेटर की पुली पे। और दूसरी चीज, अगर आपको मालूम कैसे रहेगा, तो सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। गाड़ी स्टार्ट कर दे हम, तो ये लाइट नहीं जा रही है फ्रेंड्स, बैटरी वाला, बैटरी चार्जिंग नहीं होता है वाला लाइट कंटिन्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा अल्टरनेटर चार्ज नहीं हो रहा है। तो चार्ज न होने का प्रॉब्लम अलग अलग कई ज्यादा है, लेकिन इनमें से एक एक उसका ड्राइव बेल्ट, जो बेल्ट रहता है वी बेल्ट, वो टूटा हुआ तो भी बैटरी चार्ज नहीं होता है हमारा, अल्टरनेटर घूमता ही नहीं है। तो इस गाड़ी के अंदर यही हुआ है फ्रेंड्स कि अल्टरनेटर घूमता नहीं है, उसका बेल्ट टूटा हुआ है। तो उससे क्या है, गाड़ी भी गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा ले लेगी, और दूसरी बात है बैटरी चार्ज भी नहीं रहेगी। तो उसी पोजीशन में आपको गाड़ी को स्टॉप करना है और गाड़ी को टो लेट टो करके वर्कशॉप पे लाना है या मैकेनिक के पास जाना है। तो आप देख सकते हो लाइट ज़्यादा नहीं है, कंटिन्यू शो है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये पुली पे कोई बेल्ट ही नहीं है, ये खाली है। ये रास्ते में बेल्ट टूट गया था तो पार्टी टो होकर लेके आई है गाड़ी को। तो यहाँ पे वाटर की पुली भी आप देख सकते हो खाली घूम रही है, और ऊपर है वो अल्टरनेटर की, शायद दिखाई दे कैमरे में ये वो। तो हम डालने वाला इसके अंदर अल्टरनेटर बेल्ट। तो सबसे पहला मैं, ए सी कंप्रेसर है ये ऊपर की ओर, बेल्ट टेस्टनर बेरिंग है ये, तो ये बेल्ट उतारना है हमें। तो हमें ये सबसे पहले ये 14 का बोल्ट निकालेंगे, इसका लूज करेंगे इसका आइडल का, और ऊपर है वो एसी कंप्रेसर है, और यहाँ से ये बोल्ट को सेटिंग घुमाते हुए टेस्टनर नीचे आ जाएगा। तो ये बेल्ट हम उतार देंगे और उसके बाद हमारा अल्टरनेटर का बेल्ट इसमें चढ़ेगा, ठीक है। अल्टरनेटर और वाटर पंप एक बेल्ट है और एसी का एक बेल्ट, यानी कि इको में दो बेल्ट रहता है, ठीक है। ये बेल्ट न्यू डाला था फ्रेंड्स पार्टी ने, लेकिन रास्ते में टूट गया है। आप देख सकते हो कैसे टूटा हुआ है ये। जो डाला हुआ बेल्ट है फ्रेंड्स, गेट्स कंपनी का बेल्ट है, बी ए 4PK 800 बेल्ट का नंबर है ये, 4PK 800 जो इको में लगता है, 800 4PK। तो हम डालने वाले इसके अंदर फैनर का 4PK 800। आप देख सकते हो अब बेल्ट डालने वाले हम इसके अंदर। बेल्ट लूज हो रहा है फ्रेंड्स घुमाने से। सेम प्रोसेस है रिटर्न में भी बेल्ट लगाने में, इसी को टाइट करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ से हमारा बेल्ट लूज हो गया है, ये हम उतार लेते हैं यहाँ से। अब ये न्यू बेल्ट डालते हैं फेनर का, अल्टरनेटर बेल्ट। अल्टरनेटर पर फ्रेंड्स हमने बेल्ट लगा दिया है, और ये वाटर पंप पे भी लगा दिया है, लेकिन अब क्रैंक पे हमारा बेल्ट चढ़ता नहीं है यहाँ से। तो हमें सबसे पहले अल्टरनेटर उसका लूज करना पड़ेगा ऊपर से। तो लूज करने के बाद ये दूसरी वाली जो ग्रिप है यहाँ पे ये बेल्ट लग जाएगा आराम से। तो अब ऊपर जाके अल्टरनेटर को लूज करते हैं फ्रेंड्स। ये 2 12 नंबर के बोल्ट है, ये निकालने रहेंगे, एक ये और एक ये, तो ठीक है। ये निकालने के बाद ये पीछे वाला 12 का बोल्ट है उसे लूज करना है, और ये यहाँ से सेटिंग हमारा अल्टरनेटर का आगे पीछे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये अल्टरनेटर का बेल्ट हमने बिठा दिया है यहाँ पे, वाटर पंप पे भी बिठा दिया है और अल्टरनेटर पे भी बिठा दिया है, और एसी का बेल्ट तो लगा के टाइट भी कर दिया है। इसके सेम प्रोसेस है,
यहाँ पे सबसे पहले इसको घुमाते टेस्टनर को टाइट कर देना है और बाद में ये बोल्ट कस लेना है हमें 14 का, ठीक है। अब हम करने वाले ऑल्टरनेटर बेल्ट को टाइट, वो ऊपर से होने वाला है, वो नीचे से होने वाला नहीं है, लेकिन इस बिठाया इस तरीके से आप देख सकते हो। अब करते ऊपर से टाइट, ये बेल्ट बैठ चुका है वहाँ फ्रेंड्स। बेल्ट ये प्लेट निकाल के हमने यहाँ से ये ऑल्टरनेटर को लूज किया था ताकि बेल्ट हमारा चढ़ जाए आराम से, तो वो बेल्ट भी अब लग गया है, तो इसको टाइट करने वाले हम। तो यहाँ पे एक 12 का बॉक्स लगाएंगे, जैसे इसको टाइट करेंगे तो ऑल्टरनेटर हमारा टाइट हो जाएगा। फ्रेंड इसको घुमाते हुए हमने ऑल्टरनेटर को टाइट कर लिया है और बाद में ये भी बोल्ट टाइट कर लिया है, तो हमारा ऑल्टरनेटर का बेल्ट यहाँ से आपको दिखाई दे कंप्लीट परफेक्ट है, और टाइट भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है, बेल्ट लग गया है अब हमारा। और ये बोल्ट भी टाइट हो गया है, तो अब हम लगाने वाले ये प्लेट, दो बोल्ट टाइट कर देंगे, बाद में दोबारा आपको स्टार्ट करके गाड़ी। बेल्ट लग गया है फ्रेंड्स, अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। आप देख सकते हो बैटरी वाला लाइट है, जो स्टार्ट करेंगे तो वो चला जाएगा। गाड़ी करते हैं स्टार्ट, लाइट चला गया, यानी कि ऑल्टरनेटर कंप्लीट काम कर रहा है हमारा। एकदम परफेक्ट है, ऑल्टरनेटर दिखाई दे रहा है आपको, घूम रहा है वो, न्यू डाला वो बेल्ट है, और लाइट भी चला गया है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मोबाइल मोटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।